स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी. लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 7. अभी तक अपन ने क्या देखा था? अभी तक अपन को x दिया हुआ था, f दिया हुआ था. अपन लोगों को डायरेक्टली मीन की फॉर्मूलाज लगानी थी. इस बार क्या है ना, इस बार अपन को x नहीं दिया हुआ, इस बार अपन को क्लास दी हुई है. क्लास जब भी दी हो तो तुमको पहले x निकालना पड़ता है. x मतलब यहाँ पे क्या है, मिड वैल्यू. क्या है? मिड वैल्यू. ये मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? 2000 प्लस 3000 डिवाइड बाय 2 मतलब 2500. कैलकुलेटर है अपने पास, ठीक है, तो कैलकुलेटर पे फटाफट हो जाएगा. 3000 प्लस 4000 डिवाइड बाय 2, 4000 प्लस 5000 डिवाइड बाय 2. देखो, इन सब में हज़ार हज़ार का ही डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे x में भी सब में हज़ार का ही डिफरेंस आएगा. 2500, 3500, 45, 655, 65, 75, 85. अगर तुम्हारे इन सब में हज़ार का डिफरेंस है तो तुम्हारे ये सारे x में भी हज़ार हज़ार का डिफरेंस ही आएगा, ठीक है. अब देखो, अब तुम लोगों को क्या हो गया, x मिल गया, f मिल गया. अब अपन क्या करेंगे, अब अपन x इंटू एफ करने जाए तो कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना. तो अपन क्या करेंगे, अपन लोग पहले di निकालेंगे. di कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी. सी मतलब अपन लोग क्या करते हैं, एक कॉमन वैल्यू से सबको डिवाइड कर देते. पहले मैं सिर्फ माइनस कर रही हूँ, मैं पहले डिवाइड बाई सी नहीं कर रही. डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए. मैंने 5500 को सब में से माइनस करने का सोचा, मैंने इसको ए माना. तो 2500 माइनस 5500 तो कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है. तो माइनस 3000 आएगा इस तरह से. फिर 3500 माइनस 5500 माइनस 2000, 4500 माइनस 5500 माइनस 1000, 5500 माइनस 5500 जीरो, 6500 माइनस 5500 1000, 7500 माइनस 5500 2000, 8500 माइनस 5500 3000. अब तुम लोग देखो, di अभी भी इतना बड़ा है, राइट. अब तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये दिख रहा है, ये di सब, ये सारी सारे नंबर्स 1000 से डिवाइड हो रहे हैं. तो मैंने c क्या मान लिया, c मान लिया 1000. तो ये सारे नंबर को 1000 से डिवाइड कर दो. अगर ये सारे नंबर को 1000 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3. तो ये तुम्हारा आ जाएगा di आ जाएगा. di मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी. तुम्हारे लिए ए क्या था, तुमने ए माना 5500 को और सी किसको माना, 1000 को. बस अब तुम लोगों ने ये निकाल दिया. अब तुमको क्या करना है, एक्स आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है. ये 2 और ये माइनस 3, माइनस 6. ये 3 और माइनस 2, माइनस 6. 7 और माइनस 1, माइनस 1. 15 और 0, 0. 25 और 1, 25. 16 और 2, 32. 12 और 3, 36. इस तरह से किया. अब तुम्हारी फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी. ए क्या माना अपन ने, 5500, तो ए की जगह 5500 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई. एफ आई डी आई कितना आया टोटल, ये जो तुमने मल्टीप्लाई करके निकाला, 74. एन कितना है, एन मतलब एफ का टोटल, 80. और सी कितना है, 1000. बस अब तुम लोग क्या करोगे, पहले इन दोनों को डिवाइड करोगे, 74 और 80 को, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. जो भी आंसर आएगा, 925 आंसर आएगा, 925 को 5000 में प्लस कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6425. बहुत ज़्यादा इजी. वापस देख लो क्या किया, अपन को क्लासेस दी हुई थी, क्लासेस से अपन ने एक्स निकाला. एक्स निकालने के बाद इसको अपन ने ए माना, ए नहीं ले लिया तो डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए. फिर अपन को पता चला ये सारी वैल्यूज़ किसी से डिवाइड हो रही है, 1000 से डिवाइड हो रही है. तो अपन को सबको 1000 से डिवाइड कर दिया. अब अपन लोगों को ये वैल्यूज़ मिल गई और f मिल गया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दोगे, बस ये टोटल ले लोगे. अब तुम्हारी फॉर्मूला हो जाएगी a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी. तो a अपन का 5500, सिग्मा एफ आई डी आई 74, एन 80, और c कितना है जिससे से अपन ने डिवाइड किया, 1000. एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं. ये अपन को पता है लेस देन और मोर देन टाइप वाले सम्स किए थे अपन ने, ये वो वाला है. मैंने तुमको हमेशा से समझाया था, अगर लेस देन दिया हुआ है तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ नहीं है, वो क्या है, सी एफ है. अगर क्वेश्चन में लेस देन या मोर देन दिया है या मोर देन दिया है तो तुमको फ्रीक्वेंसी नहीं, एफ नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, सी एफ दिया हुआ है. अब जब भी तुमको लेस देन दिया हो तो पहले तुमको क्लास बनानी पड़ती है. कैसे बनाओगे क्लास, लेस देन में क्या करने का ना, जो नंबर दिया है ना उसके आगे नंबर ऐड करना है. देखो ये सब में कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है. मतलब 420 के आगे क्या आ जाएगा, 410, 410 से 420 यहाँ पे, 420 से 430,
430 से 440, 440 से 450, 450 से 460 और 460 से 470। याद रखना, लेस देन में आगे वैल्यूज ऐड करते हैं और मोर देन में पीछे वैल्यूज ऐड करते हैं। अगर ये मोर देन का सम होता तो मैं यहाँ पे 420 से 430 लिखती, ये चीज़ याद रखना। पर अगर ये लेस देन का सम है इसीलिए मैंने आगे वैल्यू ऐड की 401 से 420। और एक और चीज़ मैंने हमेशा समझाया है, लेस देन में क्या दिया हुआ है, सी एफ दिया हुआ है, एफ निकालना है। सी एफ निकालने के लिए अपन प्लस 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 करते हैं, तो एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव, सो सी एफ मतलब टोटल, एफ मतलब सिर्फ एक ही, सिर्फ इस क्लास का क्या फ्रीक्वेंसी है वो बताता है। तो यहाँ पे सी एफ दिया हुआ है तो एफ कैसे निकलेगा, फर्स्ट का तो फर्स्ट सेम ही रहेगा, सेकेंड हो जाएगा 34 माइनस 14 मतलब 20, तो नीचे क्या हो जाएगा 76 माइनस 34 मतलब 42, फिर 130 माइनस 76 मतलब 54, 165 माइनस 130 35, 180 माइनस 165 15। आया समझ मैंने क्या बोला? वापस देख लो, जब लेस देन या मोर देन दिया होता है तो तुम लोगों को क्लास बनानी पड़ती है। क्लास कैसे बनेगी? क्लास बनाने के लिए लेस देन दिया है तो आगे वैल्यू ऐड करते हैं, मोर देन दिया है तो पीछे वैल्यू ऐड करते हैं। और क्या बताया मैंने, जब भी लेस देन और मोर देन दिया होता है तो सी एफ दिया होता है, एफ नहीं, तो अपन को एफ कैसे निकालने का, सी एफ निकालने के लिए वैल्यूज प्लस प्लस होती है, एफ निकालने के लिए माइनस होता है। माइनस कैसे करेंगे, फर्स्ट तो फर्स्ट का 14 का 14 रहेगा, सेकेंड क्या हो जाएगा 34 माइनस 14, थर्ड क्या हो जाएगा 76 माइनस 34, उसके बाद 130 माइनस 76, उसके बाद 165 माइनस 130, उसके बाद 180 माइनस 165। आया समझ? अब तुम लोगों का ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। तुम लोगों को क्लास दी और एफ दी है, पहले अब क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। एक्स मतलब क्या होता है, इन दोनों का मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब 140 प्लस 420 अपॉन 2 मतलब आ जाएगा 415। देखो सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी सब में 10-10 का डिफरेंस होगा, 415 425 435 445 445 465। अब तुम लोगों को x मिल गया, f मिल गया, अब क्या निकालेंगे, di निकालेंगे। di इज इक्वल्स टू xi माइनस a, मैंने 435 को वो माना, तो 435 माइनस 415 कितना आया, 20 आया, सॉरी 415 माइनस 435, ये हमेशा बाद में आता है, जिसको तुमने ए माना है वो बाद में आता है, तो -20। ऐसे करके सबका निकालोगे तो इसका आएगा -20, इसका आएगा -10, इसका आएगा 0, इसका आएगा 10, इसका आएगा 20, इसका आएगा 30। ये सारी वैल्यू किससे डिवाइड होती है, 10 से डिवाइड होती है, इसीलिए अपन डी आई कैसे निकाल देंगे, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। अपना अपना एक्स आई माइनस ए कितना है, -20, और अपन सी किसको मान रहे हैं, 10 को, क्योंकि सब 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये -20 था, तो -20 डिवाइड बाय 10, 2, ये -10 था, -10 डिवाइड बाय 10, तो -1, ये 0 था, 0 डिवाइड बाय 10, 0, 10 डिवाइड बाय 10, 1, फिर ये 20 था, तो 20 डिवाइड बाय 10, 2, और 30 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ जाएगा, 3। इस तरह से तुमको ये डीआई मिल गया। अब एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू निकाल दो। अब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। ए कितना है 435, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 121, एन कितना है 180, इंटू सी कितना है, कितने से डिवाइड किया सबको, 10। बस तुम लोगों को इस तरह से सॉल्व करके आंसर निकालना है, बहुत ही ईजी है, राइट। ये एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9 में तुम लोगों को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50 क्लास इक्वल नहीं है, यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस है और नीचे दोनों में 20-20 का डिफरेंस है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो तुम लोग किस तरह से करोगे, पहले इसको अलग अलग करना पड़ेगा, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 25, 30 प्लus 50 divided by 2 40, 50 plus 70 divided by 2 60। इस तरह से अलग अलग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्लास इंटरवल सेम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, तुम लोगों को x मिल गया, f मिल गया, अब क्या निकालोगे, di निकालोगे। di मतलब di इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, एक्स आई माइनस ए, अपन ने इसको a माना, मतलब 5 माइनस 25 कितना हो जाता है, 20, -20, तो इसका आएगा -20, इसका आएगा -10, इसका आएगा 0, इसका आएगा 15, इसका आएगा 35। ये सारी वैल्यू किससे डिवाइड होती है, 5 से, तो डी आई निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, सी को क्या मान लेंगे, 5। अपना इसका क्या आया था, -20 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, -4। उसके बाद तुम लोगों का क्या आया, उसके बाद तुम लोगों का 10 आया, 10 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, -2। उसके बाद तुम्हारा 0 डिवाइड बाय 5, 0 हो जाएगा 40। ये तुम्हारा आया था 15, 15 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 3। 60 माइनस 25 मतलब 35, 35 डिवाइड बाय 5
कितना आ जाएगा 7। ये वैल्यू डिवाइड करने के बाद लिखनी है, ये याद रखना, तुम लोगों को डायरेक्टली सी को डिवाइड करने के बाद लिखनी है। वो जो मैंने ऊपर तुम लोगों को ये अलग से करवाया ना, तो सिर्फ ये समझाने के लिए कि भाई तुमको किससे डिवाइड करना है, वो कैसे पता चलेगा। इसीलिए तुम लोग चाहो तो ये अलग से रफ में निकाल देना कि भाई एक्स आई माइनस ए करने के बाद सारी वैल्यूज़ क्या आ रही है, और फिर सारी वैल्यूज़ आ जाए उसके बाद देखना कि ये सारी वैल्यूज़ किससे डिवाइड होती है। तुमने ये निकाला, अब एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। ए कितना है मेरा, ए मेरा है 25, एफ आई डी आई कितना है 227, एन कितना है एन 110 इंटू सी, कितने से डिवाइड किया 5। बस अब इस लोगों को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले 227 डिवाइड बाय 110 करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10.3182। 10.3182 को 25 में ऐड कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 35.32। तुम्हारा एक्स अगर 1000 में है तो तुम्हारा मीन भी 1000 में आएगा। जो भी एक्स की जो यूनिट है ना, वो तुम्हारे मीन की यूनिट होती है। एग्जाम्पल 3 मैंने छुड़वाया था, अब मैं एग्जाम्पल 3 करवा रही हूँ। एग्जाम्पल 3 में ऐसा बोला है कि 20 लोग हैं, उस 20 लोगों का मीन है 55 kg। कितना है 55 kg। अब तुम लोगों को बोला है हुआ क्या, जब तुम ये मीन निकाल रहे थे ना, तुमने गलती से एक नंबर को 45 मान लिया, जबकि वो नंबर क्या था 54। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो ना, पहले अपन लोगों को क्या करने का, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन करने का। एक्स बार कितना दिया है 55, सिग्मा एक्स नहीं पता, एन कितना दिया है 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1100। ये जो अपन ने निकाला 1100, ये अपन ने गलत निकाला था, राइट। इसके अंदर क्या गलत था, 45 गलत था, तो इसमें से मैंने 45 जो गलत था उसको माइनस कर दिया, और जो सही है उसको ऐड कर दो, तो मैंने 54 ऐड कर दिया। तो एक्चुअल में मेरा टोटल क्या होना चाहिए था, 1109, जबकि मैंने क्या ले लिया था गलती से 1100। अब क्या करूँगी, जो मेरा एक्चुअल टोटल है जैसे ये, तो इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन कितना है 20, तो तुम्हारा मीन आ जाएगा 55.45। वापस समझ लो मैंने क्या समझाया, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन करेंगे, तुम लोगों का ये सिग्मा एक्स आ जाएगा 110, पर ये 11, ये 1100 तुम्हारा रॉन्ग है। इसके अंदर क्या गलत था, माइनस 45 गलत था, और क्या सही था, 54 सही था, तो जो गलत था उसको माइनस कर दो, जो सही था उसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 1109। अब तुम्हारे पास सिग्मा एक्स आ गया, अब तुम लोग करेक्टेड मीन निकालोगे, मतलब सही वाला मीन। तो करेक्टेड मीन की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, करेक्टेड सिग्मा एक्स अपॉन एन, करेक्टेड सिग्मा एक्स तुमने कितना निकाला 1109, तो 1109 डिवाइड बाई 20, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा मीन का 55.45। कोई भी डाउट हो तो मुझे बोलना, बहुत ईजी है, वापस एक बार देख लो कुछ भी हो इसमें। ये अब तुम लोगों का होमवर्क क्या कह रहेगा, एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के सारे सम्स तुम लोगों को मुझे कल तक भेजने हैं 4 बजे तक। कुछ है नहीं ज़्यादा, तुम लोगों के पास अब कैलकुलेटर है तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी ही होगा। कुछ भी डाउट हो तो वो मुझे पहले भेज देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले वो डाउट्स को तुम इंक्लूड कर सकूँ इसके अंदर। ओके।